तुनिशा शर्मा के सुसाइड ने सभी को चौंका दिया था। तुनिशा ने जब शो के सेट पर फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दी थी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ना सिर्फ तुनिशा की फैमिली को इस बात से सदमा लगा था बल्कि तुनिशा के फैंस भी भौचक्के रह गए थे। और इसके साथ ही तुनिशा के बॉयफ्रेंड सीजान खान की ज़िंदगी भी इस हादसे के बाद पूरी तरह से बदल गई है। जेल से रिहा होने के बाद आज भी सीजान उसी केस में उलझे हुए हैं और अब सीजान ने कहा है कि तुनिशा की साइड से अब कोई भी आदमी सुनवाई में शामिल होने नहीं आता है और वो खुद से हर सुनवाई में शामिल होते हैं, लेकिन तुनिशा की तरफ से कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचता और कभी कभी तो उनके वकील भी कोर्ट नहीं पहुंचते हैं और सीजान अपना पूरा दिन हाई कोर्ट में ही बिता देते हैं।